आज के आधुनिक समय में कंप्यूटर पर कार्य करना बहुत आसान और आवश्यक भी हो गया है, किंतु यदि किसी पुस्तक से कोई टेक्स्ट हमें लेना है तो केवल वर्ड में लाने के लिए उसको हम टाइप ही करते हैं या फिर अन्य कन्वर्टर हैं जो सही काम नहीं कर पाते। आज हम एक तरीका सीखने वाले हैं जिससे यह काम बहुत आसानी से हो जाएगा और साथ ही साथ न सिर्फ टाइप, उसका अनुवाद, उसका ट्रांसलेशन भी अन्य भाषाओं में कर सकेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है गूगल लेंस। ये अधिकतर डिवाइस में अभी जो आधुनिक डिवाइस हैं उनमें आ ही रहा है, किंतु अगर किसी के पास नहीं है तो प्ले स्टोर में जाएंगे और प्ले स्टोर में गूगल लेंस करके टाइप करेंगे और यदि इंस्टॉल नहीं है तो इसको इंस्टॉल करेंगे। हमने पहले से ही इंस्टॉल किया हुआ है तो हम ओपन कर रहे हैं। हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा कंप्यूटर है, उसमें हमें गूगल क्रोम जो है उसको इंस्टॉल करके रखना है। अगर नहीं है तो अगर आप ये काम करने वाले हैं तो आप उसको इंस्टॉल कर लें, साथ ही उसमें अपनी आईडी के द्वारा लॉगिन करके रखें। हमने जिस तरह से लॉगिन किया हुआ है और सिंक ऑन पर रखें, तो ये सावधानियां हमें रखनी है। अब हम किसी पुस्तक का टेक्स्ट जिसको हमें कन्वर्ट करना है वो लेंगे और उसको क्लिक करेंगे। देखते हैं किस तरह से काम करता है। हमने ऐप में भी टेक्स्ट पर रखना है। यदि हम टेक्स्ट का लेना चाह रहे हैं, टेक्स्ट का क्लिक करना चाह रहे हैं, तो हम टेक्स्ट पर रखेंगे और इसको क्लिक करेंगे। अभी आप देख सकते हैं हमारे क्लिक करते ही ये जो टेक्स्ट बुक में था वो सारा सेलेक्ट हो गया है। अब इस सेलेक्ट टेक्स्ट को हमें अपने सिस्टम में भेजना है, तो उसका तरीका क्या है, हम देख सकते हैं कि इसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कॉपी टेक्स्ट, कॉपी टू कंप्यूटर, लिसन, ट्रांसलेट। तो हमें क्या करना है, हमें कॉपी टू कंप्यूटर करना है, तो उसके द्वारा हम अपने आसानी से कंप्यूटर पर जा सकते हैं। तो कॉपी टू कंप्यूटर हमने किया, ये करते ही हमारा जो सिस्टम जिससे हमने अपनी लॉगिन आईडी से हमने लॉगिन किया हुआ है वो सिस्टम हमारे सामने खुल रहा है। हम अपना गूगल क्रोम भी सामने रखेंगे, हम इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारा कॉपी स्टार्ट हो जाता है। सिंक नहीं हो पाया ठीक से, दोबारा करेंगे कॉपी टू कंप्यूटर और हमने सेलेक्ट किया। ये देखिए हमारा टेक्स्ट जो हमने टेक्स्ट यहाँ से लिया था वो टेक्स्ट हमारा एक टेक्स्ट की फॉर्म में जो हमने एक टेक्स्ट बुक से लिया था जो टाइप नहीं था उसके ऊपर बुक के ऊपर टाइप था वो हमारा कन्वर्ट हो गया और कन्वर्ट होने के बाद में वो टेक्स्ट बुक में हमें मिलता है। फॉन्ट हम कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट करके इसको हम बदल सकते हैं फॉन्ट को, आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमारा कार्य हो गया। साथ ही हम इसको जो हमने टेक्स्ट लिया है उसको हम दोबारा से क्लिक करेंगे और इसको हम अब ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। ये हमने सिलेक्शन लिया टेक्स्ट का और ट्रांसलेट पर हमने क्लिक किया और हम इसको क्लिक करेंगे, इसका फोटो बनाएंगे, सेलेक्ट ऑल करेंगे
और इसको कंप्यूटर पर भेजेंगे कॉपी टू कंप्यूटर के द्वारा। अब ये सिंक हो रहा है, हमारा कंप्यूटर यहाँ पे शो हो रहा है, तो उसको क्लिक करेंगे। अभी ये कंप्यूटर पे आ गया है, हम कंट्रोल वी प्रेस करेंगे अपने कंप्यूटर में पेस्ट करने के लिए, या पेस्ट करेंगे जाके वर्ड में, तो हमें ये एक ट्रांसलेट की प्रक्रिया मिलती है। जो हमने टेक्स्ट वहाँ से कॉपी किया था वो हमारा टेक्स्ट सारा कन्वर्ट होकर और ट्रांसलेट होकर हमें हिंदी में प्राप्त होता है, जबकि वो भाषा इंग्लिश थी। तो ये बहुत आसान सा तरीका है जिसको हम आसानी से कर सकते हैं, और ये हमें बहुत हमारा बहुत समय बचाने वाला है। तो ध्यान रखें कि छोटी छोटी चीज़ें जो हम मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं उनका किस तरह से प्रयोग करें ताकि हम अपने जीवन को और आसान बना सकें। और इसकी जो गूगल लेंस हमारा ऐप है उसके बारे में हम डिटेल में एक दूसरी वीडियो बनाएंगे जो बहुत उपयोगी है, तो उसका ध्यान रखें और हमारी वीडियो को देखते रहें। आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना ना भूलें। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स की हमें बहुत प्रतीक्षा रहती है, तो वो भी देना ना भूलें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।